वाइज ए टू जेड इंस्टीट्यूट लखनऊ। आज हमारे स्टूडेंट कुछ पास आउट हुए हैं, ये विदेश भी जाना चाहते हैं कहीं नौकरी करने के लिए, पर इनका इंटरव्यू लेते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है और क्या क्या जानकारी इन्होंने इकट्ठा की अपने पास, क्या क्या इन्होंने सीखा प्रैक्टिकल या थ्योरी में, ये सारी चीज़ आज इनसे पूछते हैं। सबसे पहले इनको सर्टिफिकेट देते हैं, ये आपका सर्टिफिकेट, इस तरीके से हमारा सर्टिफिकेट दिया जाता है और हमारा सर्टिफिकेट आप किसी भी देश में जाएंगे ये मान्य होगा, ISO द्वारा प्रमाणित हमारा सर्टिफिकेट। आपका नाम? मोहम्मद याकूब। कहाँ से? मऊ। मऊ से। आपने हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ का कोर्स किया? AC फ्रिज वॉशिंग मशीन आरओ गीजर। आपके जितने यहाँ टूल्स रखे हैं, पार्ट्स रखे हैं, सारा नाम पता? जी पता है। पता है। इन सब के बारे में अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप बता देंगे? जी बता देंगे बिल्कुल। कि कौन सी चीज़ किस काम आती है? जी। आपने फील्ड में भी कुछ वर्क किया है? जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। सीखने को मिला? जी। हमारे यहाँ से कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के साथ कोई परफेक्ट मैकेनिक भेजा जाता है कि आप लोग देखिए वो काम कर रहे हैं, ऐसा होता है हमारे यहाँ? जी। आप ही लोग काम करते हैं ना? जी हम ही लोग करते हैं। आप ही लोगों में से लड़के भेजे जाते हैं, आप ही लोग सारा काम करते हैं, जैसे आप कल गए, आप लोगों ने अपना काम किया। हम लोग यहाँ यही होता है कि हम लोग अपने यहाँ से जो स्टूडेंट हमारे पास आउट होने वाले होते हैं उनको काम पे भेजते हैं कि अपने आप फील्ड में वर्क करो ताकि कुछ अनुभव बढ़े। अगर यहाँ सीखोगे तो यहाँ तो हम लिमिटेड सिखा पाते हैं, लेकिन फील्ड में जब लड़के भेजते हैं हम तो फील्ड में अनलिमिटेड सीखते हैं, लोग सारा कुछ अपने हाथ से करते हैं, वैक्यूम करना, लीकेज चेक करना, पंप डाउन करना, सारा कुछ अपने हाथ से होता है, अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना, सारा कुछ अपने हाथ से होता है। वहाँ हम नहीं बैठते ना, हमारे यहाँ से कोई जाता है देखने के लिए कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कस्टमर सर्टिफाई होता है हमारे यहाँ से, जितने स्टूडेंट जाते हैं कस्टमर सर्टिफाई होता है कि हाँ काम अच्छा करके दिया है, तभी लोग हमारे यहाँ काम कराने आते हैं। तो जो हम आपसे पूछेंगे आप बता देंगे सारा? जी ठीक है। ये क्या है? सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच, ये कहाँ लगता है? ये विंडो एसी। विंडो एसी में? विंडो एसी में तो लगता है, लेकिन इसका वर्क क्या है? इसको नचाने से ऑन होता है। हाँ ऑन होता है, फिर उसके बाद हाई होता है, मीडियम होता है, लो लो होता है। जी। और इससे और कंप्रेसर भी जी चलता है। ठीक है। ये क्या पार्ट्स है? ये वाश टाइमर है। किस चीज़ में यूज़ होता है ये? ये वाश को मोटर को चलाने के लिए। किस पार्ट को किस चीज़ में लगाया जाता है? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगाया जाता है इसको। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा? तो वाश टाइमर, वो वाश मोटर नहीं चलेगा। वाश मोटर नहीं चलेगा। ये क्या है? गेज मीटर है। गेज मीटर है। इसका अगर आपने इसमें लीकेज चेक किया, कितना प्रेशर डालेंगे लीकेज चेक? 300 से 350। 300 से 350। लीकेज मिलने के बाद क्या करेंगे? लीकेज मिलने के बाद लीकेज को बंद करेंगे। लीकेज को बंद कर दिया। फिर इसके बाद लीकेज जब आप बंद करेंगे तो आप प्रेशर बढ़ा रहने देंगे? नहीं, निकाल लीकेज प्रेशर निकाल देंगे। प्रेशर निकाल देंगे जी। ठीक। उसके बाद फिर प्रेशर निकालेंगे, फिर एक बार प्रेशर डालेंगे। हाँ। अगर देखेंगे कहीं पे लीकेज है हाँ। तो उस लीकेज को ठीक कर देंगे, अगर नहीं है तो प्रेशर निकाल के उसके बाद उसमें वैक्यूम करेंगे। फिर वैक्यूम करने के बाद? वैक्यूम करने के बाद उस 15 से 20-30 मिनट वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करेंगे। ठीक है। गैस चार्ज कर दिए। गैस एसी में कौन कौन सी पड़ती हैं? R22, R410, R290, R32। R32। अगर किसी गैस का हम सक्शन प्रेशर पूछ दें तो बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल। R22 का सक्शन प्रेशर बताइए। R22 का सक्शन 65 से 75। 65 से 75। स्टैंडिंग? 160। स्टैंडिंग और सक्शन क्या है? स्टैंडिंग उसको कहते हैं जब एसी बंद हो उसको स्टैंडिंग कहते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर कहते हैं, और जब एसी ऑन हो उसको सक्शन प्रेशर कहते हैं। सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर 32 का क्या होता है? सक्शन प्रेशर 32 का 145 से 155। 145 से 155। और स्टैंडिंग? 260। आपने फील्ड में काम किया? जी। आपने फील्ड में वर्क किया? जी। फील्ड में वर्क कर किया है आपने, तो आप ये बता सकते हैं कि कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ क्यों जमती है, किस कारण से जमती है? एयर फ्लो
स्लो चलता है, एयर फ्लो स्लो होता है, गैस कम होती है, फिल्टर चोक होता है, गैस कम होती है, फिल्टर चोक होता जी है। ठीक है, वैक्यूम पंप चलाते हैं जी, तो गेज मीटर की सुई किस पोजीशन पे रहती है? माइनस तीस पे जी। वैक्यूम को कंप्लीट कब मानते हैं? वैक्यूम को कंप्लीट तब मानेंगे रेगुलेटर बंद करने पर जैसी आवाज़ आए वैसे ही खुला होने पर आनी चाहिए, वैसी आवाज़ खुली होने पर तब वैक्यूम कंप्लीट होगा। अभी हम आपसे कुछ बोर्ड पे पूछेंगे, आप उस चीज़ को बता देंगे जी। चलिए आज आपसे बोर्ड पे कुछ पूछते हैं। आपने CSR निकालना सीखा जी, क्लैंप मीटर से मोटर पे कंप्रेसर में जी, आपने सबसे दोनों तरह सीखा। अगर हम आपको बोर्ड पे दें बना के मोटर या कंप्रेसर, अब इसमें CSR निकालेंगे जी, इसको आप मोटर या कंप्रेसर कुछ भी मान लीजिए, आप बता सकते हैं इसमें कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है जी? बताइए। बी कॉमन है। बी कॉमन है कैसे? इसलिए कि ए और सी को, तो ए और सी को बंद कर देंगे। ए और सी क्या है, वैल्यू क्या है? ज्यादा है। बी क्या हो गया? कॉमन। कॉमन हो गया जी। अब रनिंग स्टार्टिंग 67 रनिंग है ये। हाँ रनिंग है, ए रनिंग है, रनिंग है जी। सी स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। हाँ। और भी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, ये चीज़ें शायद सभी ने पढ़ी हैं जी सर, जी सर। क्या ये सही है? सही है। सही है, सही है। कितने दिन वर्क किया? 10-12 दिन किया। 10-12 दिन वर्क किया, इंस्टॉलेशन भी देखा होगा आपने, जी, किया जी, भी होगा जी। अगर आपको माउंटेन बेल्ट देते हैं तो आप बता सकते हैं इसको कैसे लगाते हैं जी? लगाइए इसको ऐसे लगा दें, ऐसे जी। ये हिस्सा ऊपर नहीं हो सकता? नहीं, ये हिस्सा ऊपर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि इसमें वो एसी के जो होता है वो इंडोर को इसमें फंसाया जाता है। इंडोर का ऊपरी हिस्सा इसमें फंसता है जी। कौन कौन से पाइप लगते हैं? 1/4 और 1/2। 1/4 और 1/2 जी। दो ही पाइप लगते हैं जी? दो ही पाइप है, एक ड्रेन पाइप होता है। ड्रेन पाइप होता है। अगर कभी पानी गिरने लगा एसी से जी, तो क्या करते हैं फिर? एसी को, अगर एसी झुका हुआ नहीं रहेगा तो पानी एसी कमरे में गिरेगा? नहीं, अभी हमारा एसी लगा है, 3 साल चल गया, अच्छा खासा चल रहा है जी। उसके बाद अभी अचानक से पानी गिरने लगा, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ड्रेन पाइप चोक होगा या टूटा या तो कटा होगा, या टूटा या कटा होगा। सही है। चलिए बाकी स्टूडेंट्स का रिव्यू लेते हैं कि क्या कैसे सीख रहे हैं, क्या क्या सीखते हैं। माइक दीजिए सबको, आप लीजिए। आपका नाम? कुलदीप वर्मा। कहाँ से जी? कहाँ से? परसरामपुर से, बस्ती जिले से। बस्ती जिले से जी सर। आप यहाँ क्या कोर्स कर रहे हैं सर? एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन आरओ गीजर सर। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन आरओ गीजर जी सर। आप यहाँ प्रैक्टिकल सीखते हैं कि थ्योरी सीखते हैं जी? आप यहाँ भी करते हैं, थ्योरी भी सीखते हैं। थ्योरी भी जी सर। आपको यहाँ प्रैक्टिकल के लिए कितनी बार बोला जाता है सर? बहुत बार बोला जाता है कि भाई प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करिए जी सर। यहाँ कुछ बच्चे हमने देखे हैं ऐसे भी आते हैं जो बैठते हैं सिर्फ, कुछ बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं, हमारे यहाँ आए भी, चले भी गए, तो क्या करते हैं आके बैठते हैं, लेकिन हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम बैठने से यहाँ कोई लाभ नहीं है, यहाँ बैठने नहीं आए, यहाँ कुछ सीखने आए, कुछ काम करने आए, तो यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं होता। यहाँ आप आइए, आप उसको 10 बार प्रैक्टिकल करिए, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। किसी भी बच्चा कोई भी हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से सीख के गया, सीखने आ रहा है, वो ये जो सीख के गया आप उससे पूछ सकते हैं कि हम लोग खुद उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई एक बार नहीं तुम इसको 10 बार प्रैक्टिकल कर लो, जब तक तुमको पूरा कन्फर्म ना हो जाए जी सर। बोलते हैं ना जी सर कि आप हमसे एक बार नहीं 10 बार कोई चीज़ पूछ लीजिए, हम आपको बताने को तैयार हैं, जब तक कंफर्म ना हो जाए। जब तक लेकिन कंफर्म ना हो जाए, तब तक आप उस चीज़ को छोड़िए नहीं। इनको दीजिए माइक। आपका नाम? सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता कहाँ से?
सर बदायूं यूपी। बदायूं यूपी से। आपका कोर्स? सर एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन। आप यहाँ जब प्रैक्टिकल करते हैं तब आपके प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, दिन में 4-5 बार करते हैं। 4-5 बार करते हैं। आपको ये तो नहीं बोला जाता कि एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं करना? नहीं नहीं सर, अपनी इच्छा से कर सकते हैं कितनी भी बार। अपनी इच्छा से कर सकते हैं जी बिल्कुल सर। जितनी बार पूछते हैं उतनी बार बताया जाता है? बिल्कुल सर, आप बताते हैं सर। आप पीजी में रहते हैं? रहते हैं सर। पीजी में रहना आपका कैसा? सर अच्छा है वहाँ पे भी। पीजी अच्छा है बिल्कुल। ठीक है, पीजी के लिए जो स्टूडेंट हमारे बाहर से आते हैं, बहुत से स्टूडेंट हमारे बाहर से हैं, जैसे वो ग्वालियर से हैं, ये बस्ती से हैं, बदायूं से हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे आप मिर्ज़ापुर से हैं, जैसे याकूब जी हमारे मऊ से हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ बाहर से आते हैं। पीजी की हमारे यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है, आपके यहाँ पीजी बिल्कुल साफ़ सुथरा, खाना बिल्कुल घर जैसा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं आपको हमारे यहाँ पीजी में जी। पीछे दीजिए, ग्वालियर जी। जी जी सर बताएं। आप ग्वालियर से हैं जी? मध्य प्रदेश। हाँ काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। नाम आपका? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा, आपने यहाँ सीखा जो जो चीज़ जी, उसमें आपको कभी डाउट लगा? नहीं सर, डाउट लगेगा तो पूछते हैं, वो चीज़ डाउट लगता तो पूछते हैं। हाँ बताया जाता है? बिल्कुल बताया जाता है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से ठीक, बड़ी आसान भाषा में समझाया जाता है। आपको यहाँ डाउट नहीं, आप हमारे पास सीख के चले गए, हम यहाँ से YouTube पे ये वीडियो हमारा हमेशा रहेगा जी जी। आप कभी भी हमको ये वीडियो दिखा सकते हैं। आप हमको कभी अगर घर से फ़ोन करेंगे ना तो यहाँ से बैठ के हम आपकी परेशानी वहाँ दूर करेंगे जी सर। कोई चीज़ आप भूल गए, आपको नहीं याद है, कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको फ़ोन करके पूछिए जी, वीडियो कॉल करिए जी सर, आपकी परेशानी हम यहाँ से बैठ के दूर करेंगे। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कि यहाँ से स्टूडेंट निकल गया उसके बाद उसका फ़ोन नहीं उठता, सही बात, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। दीजिए इनको माइक दीजिए जी सर। सनी जी। जी सर। आप अच्छे हंसते हैं सनी जी। सनी जी की स्माइल एकदम मस्त है। यहाँ आपने सीखा जी सर? क्या क्या कोर्स सीखा सर? हमने एसी सीखा फ्रिज और वॉशिंग मशीन। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन जी सर। अगर हम आपको 8 साल पुराना एसी दे दें रिपेयर करने के लिए, कर देंगे जी सर? बिल्कुल बंद पड़ा है, रिपेयर कर देंगे सर? उसमें देखेंगे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा, उस हिसाब से किया जाएगा, रिपेयर हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। देख लीजिए भाई, सारे लोग कहाँ से हैं लखनऊ में? हम लखनऊ उन्नाव से सर, मोहान। उन्नाव मोहान से हैं जी सर। कोई भी काम कराना हो सनी जी से करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो आप तक वहाँ वहाँ के लोग, आपके यहाँ के भी लोग देखेंगे, तो आप उन सबसे कहना है कि सनी जी अच्छे तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये एक आप लोगों का प्रचार प्रसार भी है जी सर, कि आप लोग यहाँ सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। दीजिए इधर, कपिल जी। यस सर। आपने फील्ड में वर्क किया है? यस। बहुत दिन से कर रहे हैं आप? आपके साथ कोई प्रॉपर मैकेनिक तो नहीं जाता? अभी नहीं सर। सारे आप ही लोग जाते हैं? यस सर। आपको कहीं दिक्कत आती है आप फ़ोन से कंसल्ट करते हैं? यस सर। आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं? यस सर, दूर होती है। कस्टमर सेटिस्फाई है? यस सर, प्रॉपर तरीके से। कल भी आप लोगों ने एक एसी इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है, कस्टमर खुश था? यस सर बिल्कुल, बढ़िया कूलिंग कर रहा है उसका। बढ़िया, तो अब हमको ये लग रहा है कि आप लोग परफेक्ट हो गए। अब सर आप बता सकते हैं इस तरीके से क्या है, परफेक्ट हो गए। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से सारे बच्चे जितने भी हमारे यहाँ सीखने आते हैं सबको हम फील्ड वर्क कराते हैं, क्योंकि फील्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। यस सर। फील्ड वर्क नहीं होगा तो आदमी के अंदर, यहाँ तो प्रॉपर तरीके से हमने सिखा दिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता जी सर। कॉन्फिडेंस के लिए फील्ड वर्क चाहिए होता थोड़ा सा, ठीक है? तो इसी तरीके से सारे लोग काम करिए, अच्छे से अच्छे काम करिए, कभी कस्टमर को शिकायत का मौका ना दीजिए। ये थी हमारी आज की क्लास इंटरव्यू की। इसी तरीके से हमारे अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।